आज मैं बनाने वाली हूँ मैगी का बहुत ही टेस्टी और चटपटा स्नैक्स, जिसे बनाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसे हमने सिर्फ 1 चम्मच तेल में बनाया है। जो लोग ज़्यादा ऑयल खाना पसंद नहीं करते हैं, वे भी ये नाश्ता बनाकर खा सकते हैं। मैगी तो आप बनाकर खाते ही होंगे, लेकिन इसे थोड़ा अलग तरह से खाएं तो और भी टेस्टी लगेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये अमेजिंग सी रेसिपी। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके ही जाएं। बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक पहुँच सकें। नाश्ता बनाने के लिए हम एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप सूजी डालेंगे। इसके लिए आप बारीक वाली या मोटी वाली कोई भी सूजी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो उसी से इसे बना लें। और ये हमने लिया है 1/2 कप दही, इसे भी इसी में डाल देते हैं। इसके लिए आप ज़्यादा खट्टी दही यूज ना करें, थोड़ा मीठा दही ही लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, जिस कप से हमने दही डाला था उसी से 1/2 कप पानी इसमें डाल देते हैं। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। 1/2 कप पानी हमने पहले डाला था और 1/2 कप पानी और डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, जिससे ज़्यादा गीला भी ना हो और अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 कप सूजी में 1 कप पानी और 1/2 कप दही यूज करें तो आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। पूरा 1 कप पानी डालकर इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब सूजी को फूलना भी ज़रूरी है, तो इसे इसी तरह से ढककर 10-15 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए और सेट हो जाए। तब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अब गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। तेल आप कम ज़्यादा कर लें। अब इसमें 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा को चटकने देते हैं। जीरा चटक गया है तो अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ लहसुन। 3-4 लहसुन की कलियों को हमने बारीक काट लिया है और 3 हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है, इसे भी डाल देते हैं। मिर्च आप कम ज़्यादा कर लें। अब 1/2 मिनट तक इसे चला लेते हैं। अब यहाँ पर 1 प्याज को हमने बारीक काट लिया है, इसे डाल देते हैं और इसे थोड़ा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेते हैं। इसे हमने थोड़ी देर फ्राई कर लिया है, अब इसका कलर चेंज हो गया है और ये सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। 1 बड़े साइज़ के टमाटर को हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है, इसे डालेंगे और इसे भी थोड़ा सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं। अब यहाँ पर टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है तो अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। अच्छे कलर के लिए इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं और 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला डालेंगे। अब इसे 1-2 मिनट तक भून लेते हैं, जिससे मसाले थोड़ा पक जाएं। इसे हमने 2-3 मिनट भून लिया है। अब टमाटर भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। मैगी में जो मसाला होता है आप चाहें तो उसे ही डालकर इसे बना लें, लेकिन आज इसे हम थोड़ा और चटपटा बनाने वाले हैं, इसलिए हम इसमें और भी मसाले डाल रहे हैं। 1 टीस्पून अमचूर पाउडर डालेंगे, इससे और भी चटपटा हो जाएगा। अब इसी तरह से मसाले को 1-2 मिनट भून लेते हैं, जिससे मसाले अच्छे से पक जाएँ और इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा दबा देंगे, जिससे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसमें मिक्स हो जाए। इसे हमने अच्छे से भून लिया है तो अब इसमें जाएगा पानी। ये हमने 2 ग्लास पानी दिया है, इसे इसमें हम डाल देते हैं। अब पानी में अच्छे से उबाल आने देते हैं और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब पानी उबालने लगा है तो इसी में हम डालेंगे मैगी मसाला, जो मैगी के पैकेट में रहता है। तो 2 पैकेट मैगी मसाला इसमें हम डाल देते हैं। 2 पैकेट मसाला इसमें हमने डाल दिया है। मसाला डालने के बाद इसे 2-3 मिनट और कुक कर लेते हैं। अब इसी में हम 1/2 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक हमने सूजी में भी डाला है, इसीलिए कम ही डाल रहे हैं। अब पानी अच्छे से उबल गया है तो इसी में हम डाल लेते हैं मैगी। ये हमने 2 पैकेट मैगी लिया है, इसे हम इसमें डाल देते हैं और इसे इसी तरह थोड़ी देर छोड़ देते हैं। अब इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे चलाते हुए 2-3 मिनट तक कुक कर लेंगे। इसे हमने 2-3 मिनट कुक कर लिया है। अब इसके पानी थोड़ा सुखा लेते हैं। इसे हमने 2-3 मिनट कुक कर लिया है। अब मैगी बन के रेडी हो गया है तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे इसी तरह से निकाल के रख देते हैं। इसी में थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैगी बन के रेडी हो गया है। अब हम अपना सूजी भी चेक कर लेते हैं। इसे रखे 10 मिनट हो गया है तो सूजी अच्छे से फूल गया है, तो इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसे हमने मिक्स कर लिया है तो इसी में हम डालेंगे 1/2 बाउल बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटा हुआ लाल मिर्च डालेंगे।
अब इसी में हम आधा छोटा चम्मच चाट मसाला डाल देते हैं, इससे बहुत ही चटपटा बनेगा। है तो डाल दें, नहीं तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही बना सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर सूजी का बैटर बन के रेडी हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे सबसे ज़रूरी चीज़, आधा छोटा चम्मच इसमें हम बेकिंग सोडा यानी खाने वाला मीठा सोडा डालेंगे। अगर बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इसमें इनो भी डाल सकते हैं। एक चम्मच पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे हमें ज़्यादा देर रखना नहीं है, इसे तुरंत ही बनाएं। अब सूजी का बैटर बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हमने लिया है 5 छोटे छोटे प्लेट। आप इसे किसी भी कटोरी प्लेट जो भी हो आपके पास उसी में बना लें। सारे प्लेट में हम एक एक टेबल स्पून मैगी डाल देते हैं और इसे अच्छे से फैला देते हैं और बराबर कर लेते हैं। और ये देखिए, इसे स्पून से अच्छे से प्लेट में चारों तरफ फैला देते हैं। अब इसी तरह से सारे प्लेट में हम मैगी लगा देते हैं। सारे प्लेट में हमने मैगी डाल दिया है और अब इसमें हम डालेंगे सूजी का बैटर जो हमने बना के रखा है। थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे और इसके ऊपर डालते जाएंगे और इसे पतला फैला देंगे और सारे मैगी को सूजी से अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे प्लेट में सूजी का बैटर डाल देते हैं और इसे अच्छे से फैला देते हैं। और ये देखिए, सारे प्लेट में हमने सूजी का बैटर डाल दिया है। अब इसे थोड़ा थोड़ा टैप करेंगे इस तरह से। यहाँ हमने गैस पर एक पैन में 3-4 ग्लास पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और पानी गर्म हो गया है। अब इसी के ऊपर हम एक छन्नी रखेंगे इस तरह का। अब छन्नी के ऊपर हम एक एक प्लेट को धीरे से रखते जाएंगे। और ये देखिए, 3 प्लेट हमने इसमें रख दिया है और बाकी के हम दोबारा बना लेंगे। अब इसे ढक के 6-7 मिनट इसी तरह से छोड़ देंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे करेंगे, 6-7 मिनट में अच्छे से पक जाएगा। इसे हमने 6-7 मिनट तक कुक कर लिया है और ये देखिए, अब ये फूल के ऊपर तक आ गया है। एक नाइफ लेंगे, इसे हम चेक कर लेंगे, इसमें डालेंगे और ये देखिए, नाइफ बिल्कुल क्लीन है यानी अच्छे से हो गया है। अब इसी तरह से हम और भी बना लेते हैं, इसी छन्नी में और भी पकने के लिए रख देते हैं। अब जो हमने पहले बनाया था ये ठंडा हो गया है तो इसे हम धीरे से निकाल लेते हैं। एक नाइफ लेंगे, इसे हम चारों तरफ थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे इस तरह से। इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसे हाथ पर इस तरह से पलट देंगे और ये देखिए, ये आसानी से निकल गया। इसी तरह से हम सारा नाश्ता निकाल लेते हैं और ये देखिए, अब सारा नाश्ता बन के बिल्कुल रेडी है। और ये कितना फूला फूला और स्पंजी बना है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितना स्पंजी है। आप इसे चिली सास, टोमेटो सास, हरी धनिया की चटनी किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को इन तक देखने के लिए थैंक यू।